हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है हमारी वो है ब्रेड पोहा। जी हाँ, नॉर्मल पोहा तो आप सभी खाते ही होंगे। कभी अगर मन करे तो आप ब्रेड पोहा भी बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ब्रेड पोहा हम किस तरीके से बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर ब्रेड, जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ली है। और यहाँ पर मैंने मूंगफली ली है, मटर के दाने हैं, टमाटर है, हरी मिर्च काट के ली है, प्याज लिया है काट के, ये राई है जिसे सरसों भी बोलते हैं, और यहाँ पे पानी लिया हुआ है, और ये ऑयल है, और ये करी पत्ते। करी पत्ते सूख चुके हैं, आपके पास फ्रेश हैं तो आप वो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेड से पोहा कैसे बनता है। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम मूंगफली फ्राई कर लेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। ये देखिए मूंगफली फ्राई हो चुकी है और मैंने इसे एक अलग से प्लेट में निकाल लिया है। मैंने इसको सबसे पहले इसलिए फ्राई कर लिया है क्योंकि अगर हम प्याज के साथ फ्राई करते हैं तो मूंगफली कभी कभी कच्ची रह जाती है, इसलिए हम सबसे पहले मूंगफली ही फ्राई कर लेते हैं। तो अभी उसी ऑयल में हमें डालना है सरसों, करी पत्ता, आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ। अब हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक आप भूनिएगा। प्याज हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, टमाटर। प्याज टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से आपको 1 मिनट तक भूनना है। प्याज टमाटर हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और हल्दी। हल्दी डालेंगे, अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड के टुकड़े और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो हमने पानी लिया था उसे थोड़े थोड़े से ऐसे ऐसे डाल देना है इसके ऊपर। अच्छे से सभी में डाल दीजिएगा और इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक होने दीजिए। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब ब्रेड पोहा हमारा रेडी है। पानी हमने इसलिए डाला था क्योंकि ब्रेड थोड़ा सा नरम हो जाए, और इसको पानी डाल के आपको 1 से 2 मिनट तक भाप में पकाना है। ब्रेड नरम हो जाए तभी अच्छा लगता है ये ब्रेड पोहा। तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिया है और खाने में वह बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या कोई अदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।